राजस्थान जयपुर कोटपुतली के एक युवा किसान लेखराम यादव जी ने TCBT अर्थात ताराचंद बेलजी तकनीकी से जैविक खेती करके जैविक खेती में एक नई इबारत लिख दी है। 300 एकड़ में सरलता से सहजता से कैसे खेती की जा सकती है जिसमें कोई बीमारी ना आए और फसल बराबर बढ़े, फसलों में बहुत अच्छा उत्पादन मिले, ऐसी व्यवस्था TCBT पद्धति से लेखराम जी ने अपनी खेती में की है। इनके 3.5 साल के नींबू के बाग में 70, 75, 100 और 120 किलो तक पिछले वर्ष उत्पादन आया है। इस बाग में जैविक खेती का एक प्रशिक्षण TCBT पंच महाभूत कृषि प्राकृतिक खेती का एक प्रशिक्षण 17 से 19 मार्च 2023 को रखा गया है। इस प्रशिक्षण में आप सब किसान भाग लें, सीखें और समझें। इस प्रशिक्षण में प्रत्यक्ष तौर पर बागवानी कैसे की जाएगी, सब्जी की फसलों को कैसे लगाना है, उनको उनमें न्यूट्रिशन प्रबंधन, पंच महाभूतों का संतुलन कैसे करना है और बिना किसी परेशानी के सहजता से कैसे प्राकृतिक खेती करके बम्पर उपज लेनी है, इसका प्रैक्टिकल प्रशिक्षण बताया जाएगा। खेत में सब किसानों को प्रायोगिक तौर पर यह प्रशिक्षण होगा। पहले दिन केवल एक चर्चा होगी, उसके बाद केवल प्रायोगिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम होंगे। जिन किसानों को इस खेत में आना है, इनकी फसल देखनी है, तो कृपया सोल के वेबसाइट पर जाएं और अपना पंजीयन कराएं। TCBT कृषि प्रशिक्षण 17 से 19 मार्च 2023 आप सबका स्वागत रहेगा। 12 मार्च में इतना बड़ा फल आ गया आपका, तो मुझे लगता है 28-30 मार्च को तो आप फल तोड़ के बेच दो। अप्रैल के फर्स्ट वीक में 100% यहाँ से खरबूजा जाना स्टार्ट हो गया। वाटरमेलन तो जा ही रहा है। अच्छा, तो जा ही रहा है खरबूजा आपका। हाँ। और इतना बढ़िया स्वस्थ खरबूजा आ गया आपका। टमाटर है, ये देखिए इसकी टमाटर की लीक, ये पत्ते की चौड़ाई देखिए, बिल्कुल जबरदस्त चौड़ाई है। ये पूरा 4 उंगुल से ज़्यादा इसकी चौड़ाई है और फूलों से लदा हुआ है ये। फूलों से बहुत जबरदस्त। कितने एकड़ में लगाए हैं? 11 एकड़ में है, जिसमें 11 एकड़ में। हाँ। और इतनी जबरदस्त, ये देखो ये 8-8, 10-10 फूल हैं एक एक जगह में। ये तो फल से लद जाएगा तो पूरा तो ये हो जाएगा। हाँ। भाई ये है लेखराम जी का जो है सब्जी का खेत। ऐसे इनके पास 7-8 खेत हैं, जहाँ मतलब एक खेत में जैसे यहाँ इन्होंने गोभी किया है तो वहाँ कहीं गांठ गोभी, तो कहीं टमाटर, ऐसा अलग अलग ये करते पूरा प्लॉट का प्लॉट। अब देखो यहाँ एक सा पूरा प्लॉट जो है डेवलप हुआ है। ये ज्यादा 5-7 दिन 7-1 वीक में आराम से जाएगा। जैसे इसकी मिट्टी आप उठा के देखेंगे, ताकत बढ़ने वाला प्रयोग होगा, है ना। इसके पंच महाभूत संतुलित हैं, इतना स्वस्थ और जबरदस्त तरीके से, और एक सा है पूरा खेत। आप पूरा खेत कहीं देखे आपको कि कहीं कोई खेत में कहीं कमी है? अर्ली में गोभी लेना और वो भी जो है जैविक में, रासायनिक में नहीं मिलते इतने अच्छा। भी रासायनिक वालों के यहाँ जाओ, 10 बीमारी दिखेगी। बोलिए भारत माता की जय। जैविक किसान देश की शान, जैविक किसान देश की शान, जैविक जीवन सबका कल्याण। लेखराम जी जिंदाबाद। चलिए हमारे जो है लोकेश पाठक जी, मजा आया आपको लोकेश जी? आनंद बहुत मजा आया सर। हैं बहुत मजा आया। हाँ, फसल देख के कि हमसे मिलके? फसल देख से भी और गुरुजी का ज्ञान लेके भी। अच्छा जी, मैं गुरुजी YouTube पे वीडियो देखा महेंद्र के डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। प्रयागराज से अमर बहादुर सिंह से बात हुई है। हाँ अमर बहादुर जी, बिल्कुल बिल्कुल आपसे बात हुई। मेरे डिस्ट्रिक्ट से तो मेरे हिसाब से कोई नहीं करता अभी स्टार्ट, किसी ने नहीं की है। अच्छा, मैं मार्च में स्टार्ट करूंगा। मार्च में करेंगे स्टार्ट? हाँ, मैं सब्जियों की खेती करूंगा। हाँ। क्योंकि मेरे पास जमीन तो है, 1/2 एकड़ जमीन है। अच्छा, जो नहर के पास लगती है, बाकी ट्यूबवेल का सिस्टम है नहीं, पानी नीचे है। सर, मेरा तो मैं बाद में सिस्टम करेंगे। लोगों को रोज जरूर बताता हूँ,
अच्छा, सुने या न सुने, दस लोग वो रोज बता, मतलब हर बार बता रहे, रोज बताते हो, मेरा काम बताना है। अच्छा, चार पांच लोग आए हैं साथ में। अच्छा, क्या बात है, कहाँ से आए बहादुर जी? हम वही प्रयाग से, प्रयागराज से, यूपी। अच्छा, यूपी से, इलाहाबाद। अच्छा, वाह, तो फसल देख के तो आनंद आया भैया। आज है 12 मार्च 2022 और अभी हम हैं राजस्थान के जयपुर ज़िले में श्री लेखराम यादव जी के फार्म पर, और ये नींबू का फार्म है। इसमें देखिए नींबू में अभी फल आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बहुत अच्छे फल आने की प्रक्रिया है, गुच्छों में आ रहे हैं। ये आप देखिए कि ये जो है मधुमक्खी भी आपको दिखाई देगी, दे रही होगी कि ये भी बहुत बहुत प्यार से रस चूस रही है। तो अंदर तक हम आकर देखेंगे कि पूरे खेत में इसी तरह से फल आ रहे हैं। लेखराम जी, कितना एकड़ का फार्म है आपके? ये सर टोटल है 22 एकड़ का। अच्छा, 22 एकड़ का फार्म है ये। हाँ। देखिए मधुमक्खियाँ, देखिए एक ये, हाँ, है, एक छोटी है, एक बड़ी है, और भी बड़ी है। ओह, देखो एक बार हिलाता हूँ मैं इसको, कितनी मधुमक्खियाँ निकलेंगी ये देखो। हाँ, बहुत मधुमक्खियाँ हैं ये देखिए कितनी। और जो जैविक खेत होता है, जो जैविक फसल होती है, उसी में मधुमक्खी इतनी होती है। और बिल्कुल हरा कंच, पत्ते भी हरे कच्चे हैं बिल्कुल। तो कितने साल का ये फार्म हो गया? ये नींबू, इससे पहले नीचे इसमें एलोवेरा था। हाँ, ना, और एलोवेरा को 4 साल हुए हैं और इसको 3.5 साल हुए हैं। मात्र 3.5 साल का है? हाँ। केवल 3.5 साल में इतना अच्छा आपका बाग तैयार हो गया। ये पिछले सीजन के हैं। अच्छा, इसमें स्वाद भी बहुत अच्छा होगा, बहुत। आप एक बार खुशबू देखो। हाँ हाँ हाँ, अभी इसका पियेंगे हम। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। प्लांट से मान के चलो 80 किलो, 100 kg, 120, इस तरीके से अच्छा प्रोडक्शन था, बहुत बढ़िया। हर प्लांट में? हर प्लांट के अंदर। अच्छा, तो 12 मार्च में इतना बड़ा फल आ गया आपका। हाँ। तो मुझे लगता है 28-30 मार्च को तो आप फल तोड़ के बेच दो। बिल्कुल, अप्रैल के फर्स्ट वीक में 100% यहाँ से खरबूजा जाना स्टार्ट हो गया। वाटरमेलन तो जा रहा है। अच्छा, तो जा रहा है खरबूजा आपका। हाँ। और इतना बढ़िया स्वस्थ खरबूजा आ गया। ये आपका टमाटर, टमाटर है, ये देखिए इसकी टमाटर की लीक, ये पत्ते की चौड़ाई देखिए, बिल्कुल जबरदस्त चौड़ाई है ये, पूरा 4 उंगुल से ज़्यादा इसकी चौड़ाई है, और फूलों से लदा हुआ है ये। बहुत जबरदस्त। कितने एकड़ में लगाए ये? एकड़ में है, 11 एकड़ में है, जिसमें 11 एकड़ में। हाँ। और इतनी जबरदस्त, ये देखो ये 8-8, 10-10 फूल हैं एक एक जगह में। ये तो फल से लद जाएगा तो पूरा, तो ये हो जाएगा। बहुत शानदार, जबरदस्त। और पूरा देखो एक सा खेत है पूरा। तरबूज, ये खरबूजे का देख लो ऐसा ही, उधर झुकने का देख लो, इधर अपनी तोरी लगाई है। अच्छा, एक सा खेत है पूरा। तो इनमें भी सब वही अपना जैव रसायन और रसायन है, खट्टा मीठा कड़वा। हाँ हाँ हाँ। और जैव रसायन, भस्म रसायन का। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, कमाल है। ये जो है, जो जैविक खेती करते हैं उन किसानों को आके देखना चाहिए। अरे गुरुजी, अब आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं अब तो। अच्छा। हाँ। क्या बात है, आपने गुरुजी का नाम रोशन कर दिया भाई, डंका बजा दिया, डंका। गुरुजी का नाम जो है डंका बजा दिया आपने। अभी तो कर रहे हैं, अभी तो आगे और चमत्कार होंगे। अरे बिल्कुल, होना ही होना ही होना ही है। ठीक है, भी देखो कितना ग्रीन लीफ है, एकदम बढ़िया, बड़े साइज है, पूरा 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 एक पूरा हाथ के हथेली के बराबर बड़ी साइज है, और अच्छी साइज रहेगी तो इसमें फलद भी है। तो ये भी आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में निकल जाएगा ये? हाँ, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा वो है, क्योंकि हम क्या करते हैं गुरु जी, 15-15 दिन के गैप पे लगाते हैं। जिस अच्छा। फार्म पे है उसमें 15 दिन पहले है, फिर वो 15 दिन चलेगा। हाँ, ताकि मार्केट भी आपको मिलता रहे। कंटिन्यू चलता। ऑर्गेनिक जैविक खेती में इतना हरा कच्चा फसल और इतनी फ्लावरिंग, इतनी पत्ते की चौड़ाई, ये केवल जो है जैव रसायन, भस्म रसायन, सडरस, जीवाणु घोल के ही कमाल से संभव होता है।
अन्यथा संभव ही नहीं है ऐसा कि इतना बढ़िया जो है प्रोडक्शन आ सके। वो अगली फसल कौन सी है? वो चप्पल टिंडा। चप्पल टिंडा, चलिए उसका। ये क्या चप्पल टिंडा? चप्पल कद्दू, चप्पल टिंडा। हाँ। अच्छा, अरे गजब, ये भी जबरदस्त। ये देखो, ये इसमें देखिए, इसमें देखिए, ये इसमें देखिए, आज के लिए ये हार्वेस्ट हो जाएगा, आज के लिए ये हार्वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कल के लिए है, ये परसों के लिए, नर्सों के लिए, दो 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 दो। ये आप देखो एक बार कितना जबरदस्त है। और एक पौधे में कितने सारे निकल गए, ब्रांचेस है अलग अलग। एक एक पौधे से बहुत सारे ब्रांचेज है, अंदर तक लग रहे हैं, खूब लग रहे हैं। मतलब बहुत चमत्कार रही हो रहे हैं आपके यहाँ। बिल्कुल, ये लग रहा है। ये केमिकल में तो ये गुरुजी 30-35 दिन में खत्म हो जाता है। हमको अच्छा, तो हमको 40-45 दिन तो इसको हो गए लेते हुए प्रोडक्शन, और 40-45 दिन और चलेगा ये। और मतलब 90 दिन चलेगा? हाँ, खूब आराम चलता है 90 दिन। और केमिकल खेती में, केमिकल खेती में 30 दिन में स्टार्ट। 17 से 19 मार्च 2023 को लेखराम यादव जी के नींबू के इस फार्म पर केमिकल खेती में इतना हरा टीसीबीटी रसायन मुक्त खेती का प्रशिक्षण रखा गया है। जिन किसान भाइयों को आना है, कृपया पंजीयन कराएं और अवश्य आएं। क्या बात है, आपने जबरदस्त चमत्कार ही किया है, आपने मानना पड़ेगा। ये कैसा है? स्ट्रॉबेरी। जयपुर के इस क्षेत्र में, सूखे क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी हो रही है, और ये फल ले चुके हैं। और ये समझ जाओ कि ये एंडिंग है, फसल समाप्ति की ओर है, फिर भी इतने फल दिख रहे हैं। हाँ, जितने पत्ते नहीं उतने फल हैं। क्या बात है भाई, ये देखो, ये पत्ते हरे कच्चे हैं ना, इसलिए इतनी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, जैविक खेती के द्वारा ही इतना अच्छा प्रोडक्शन लिया जा सकता है, वो भी ऐसे क्षेत्र में जहां पर जो है इसकी पैदावार की संभावना बहुत कम हो, सूटेबल नहीं है।